सामने आमने आ गया। अच्छा जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और ये हमारा मुकाबला है शान सुखन का, यानी कि बैतबाजी का मुकाबला, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैतबाजी। और आज के हमारे दोनों कंटेस्टेंट हमारे साथ है, सेकेंड सेमीफाइनल है ये, चूँकि अब जाहिर नशरियात अपने अख्तितम की जानब बढ़ रही। आज हमारी 48th नशरियात है 2024 की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके बाद 12 नशरियात और हैं, अगर 30 रोज़े हों उस सूरत में। तो आज की हमारी दोनों टीम्स हैं वो इतफाक़न दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं। नूरुल हिरा और रमशान नकवी हैं यहाँ, और अब्दुल्ला हैदर और मोहम्मद अहमद हैं यहाँ। सो अब आप देख लीजिए कि जिस इदारे से हम पढ़े हैं, उस इदारे का माशाल्लाह ये नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यार इस तरह से आप पढ़े, इसका तो मैार बड़ा जबरदस्त है, अलग है। ये ठीक है, एक शेर सुनाएंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के शेर से मुकाबले का आगाज करेंगे। हाँ जी भाई वाह, हमें याद आ गया, यही रेड ब्लेजर पहन के हम जो है 2004 में बज़्म-ए तारिख अज़ीज़ में, अच्छा बड़ी जबरदस्त, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही की नुमाइंदगी कर रहे थे। आज माशाल्लाह चारों लोगों ने वही कोट मैरून रंग का जेवतन कर रखा है। ये तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा ना कि आपने वो तारिक अजीज़ जी, कल मैं एक वीडियो देख भी रहा था कि एक पार्टी पार्टिसिपेंट से, जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे दो दिन से आप शेर नहीं सुना रहे, खैरियत? मैं बस, मैंने कहा शायद ज्यादा ना हो जाए, तो अच्छा जी कल सुनाऊंगा इंशाल्लाह, प्लीज जरूर फाइनल में जरूर सुनाइए। इफ्तिखार आरिफ साहब के दो अशआर के, मेरा मालिक जब तौफीक अरज़ानी करता है, मेरा मालिक जब तौफीक अरज़ानी करता है, गहरी जर्द जमीन की रंगत धानी करता है। अच्छा, मालिक से और मट्टी से और माँ से बागी शख्स, दर्द के हर मीसाक से रूगर्दानी करता है। वाह 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 जनाब, डॉक्टर साहिबा के शेर से मुकाबले का आगाज होगा जनाब। जी वो हार और जीत का मरहला है, और अब बहुत करीब हार भी है और जीत भी, नाजुक तो मरहला है। हवाले से दो अशार का इंतखाब किया है खालिद मुइन साहब के, बहुत उमदा शायर। दो शेर के, तुझे कब पुकारा नहीं जा रहा, तुझे कब पुकारा नहीं जा रहा, फिराक अब सहारा नहीं जा रहा, नहीं दूर तक जीत का शायबा, नहीं दूर तक जीत का शायबा, मगर हमसे हारा नहीं जा रहा। अरे वाह वाह क्या अच्छा है, मगर हमसे हारा नहीं जा रहा। अलिफ अलिफ बिस्मिल्लाह टीम ए। उसे कहो कि बहुत नामुराद शय है जुनून, उसे कहो कि मुझे है बहुत जुनून उसका, बहुत शहीद है ये चश्मे बेविसाल उसे, बहुत असीर है ये कल्बे बेसुकून उसका उसका। अब तक मेरा जमीन से रिश्ता है उस्तवार, रहने सितम हूँ सब्जाए पामाल की तरह तरह। आइए जनाब हलवा हे। हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये टीम बी। ये धूप छाँव है दुनिया की, खुद मेरा साया, मेरे करीब से गुजरा है अजनबी की तरह, अजनबी की तरह। हैरतें बांटते नजारे को, देखना रात भर सितारे को, घास पगडंडियों पे उगाई, दोस्त अब तो समझ इशारे को, इशारे को। वाओ, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगहे यार की तरह, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। मजरूह सुल्तानपुरी जनाब तरह हे। हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती जनाब, फूल बन के सैरों में और कौन शामिल था, शौकिये सबा से तो बालियां नहीं खुलती खुलती। नून, न मिलने वाले किनारों का नाम ठहरा शौक, गुरेज पा है जहां हुस्न एक नदी की तरह, हुस्न एक नदी की तरह। कितने शेर आते हैं आपको हे से जी। आइए। हुक्म है मुझको खराबों की निगहबानी का, मैं किसी मौसम बेबरगो समर का वारिस वारिस जनाब। आइए
से टीम बी सबात वहम है यारो बका किसी की नहीं, चराग सारे बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अच्छा बहुत अमदावे आप ले आए वापस उनको। नून टीम ए न तिश्ना लब थे न तिश्ना लबी से खाली थे, भरे हुए थे किसी से खाली थे, हमारी रातें महकती थी तेरी बातों से, हमारे दिल तेरी मौजूदगी से खाली थे। खाली थे से पे रहते तो बहुत अच्छा था जी। ये यही सुना था यहाँ चार दिन की है लेकिन हयात लग रही है शहजादिक सदी की तरह। हयात लग रही है गड़बड़ है शेर में। जनाब हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। एक जनाब क्यों कर कहूँ के दर पे आजार है वहीं, जो आसमां है सर पे मेरे ढाल की तरह। मेरे ढाल की तरह जी। पांचवा शेर है से हर्फे ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाप एक और मोहब्बत का खुला चाहता है।, है ये टीम बी यूं बेसबब तो कोई इन्हें पूछता नहीं, कुछ तो है पत्थरों में खदो हाल की तरह। कुछ तो है फिर मसले में से दूसरा शेर आप तीसरे में इजाजत नहीं दी जाएगी आपको, ये बिल्कुल गड़बड़ किया आपने जी। हे हर्फ की लो मैं उधर और बढ़ा देता हूँ, आप बतलाएं तो ये ख्वाब जिधर से कम है। कम है ये टीम बी याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद, बंद किताबों की तरह। हे टीम ए हे एक हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। छह शेर सुना चुकी है टीम ए, कितना वक्त रह गया है बहुत ही। जनाब टीम बी और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ पे छालों की तरह। हाँ जनाब हुस्न था उस शहर का आवारगी और हमें थे पाँव के छाले अजीज। अजीज जे जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। नवा शेर हे से हिना के वास्ते सखियां हथेली उसकी खोलेंगी, तो पहली बार वो सच्ची लकीरें झूठ बोलेंगी। अभी काउंटर चला दीजिएगा ताकि मैं अंदाजा हो कि कब तक सरवाइव करना है। आखिरी दो मिनट, आखिरी दो मिनट जनाब। ये पस्तियां हैं फराजो करार का महवर, नेहा इसी में बुलंदी है बरतरी की तरह। बरतरी की तरह हे टीम ए दसवां शेर हे हजरत को गर नहीं मेरी परवाह तो गम नहीं, बंदे को कब है किबलाए हाजात की तलाश। तलाश आखिरी मिनट शीन एक मिनट और जी। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हूँ आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। नून टीम ए बस एक मिनट गुजारना है आपने जनाब। नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, ग्लास लेते हुए उंगलियां ना छू लेना। उंगलियां ना छू लेना हमारे लहजे की शाइस्तगी के धोखे में, हमारी बातों की गहराइयां ना छू लेना। भाई वाह वाह अच्छा टाइम बाय किया जनाब। अकबर के बे शजर और एक सदाए बाज गश्त, दोनों आवारा फिर रहे हैं कूबकू मेरी तरह। दोनों दोबारा पढ़िए शेर। एक बरगे बे शजर और एक सदाए बाज गश्त, दोनों आवारा फिरे हैं कूबकू मेरी तरह। नहीं ये मेरा ख्याल है बस इसको खत्म कर दिया जाए। वक्त खत्म हो गया कि ये खत्म हो गया। तीसरा शेर था जो मुस्तकिलन गैर मियारी पढ़ा गया आपकी तरफ से। ठीक है जी आप कुछ कह रहे हैं नोट साहब कह रहे हैं दोबारा ठीक है। एक बरगे बे शजर और एक सदाए बाज गश्त, दोनों आवारा फिरे हैं कूबकू मेरी तरह। शेर पढ़ते भी ऐसे है ना कि बेवजन कर देते हैं। सही ठीक है बट ठीक है टाइम हो गया। ठीक है टाइम हो गया टाइम हो गया जनाब। अब आप लोगों ने वेरी वेल डिफेंडेड बहुत अच्छा टीम भी ने बड़ी बात दिफा किया।
मुस्तकिलन कुछ 11 या 12 शेर पढ़े उन्होंने हे से। सर बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी आपकी पुरसुकून रही है क्या? पैनिक नहीं हुए ना? पैनिक नहीं किया है, जबरदस्त। अच्छा मुकाबला, शानदार बात। चूंकि हे आमतौर पर गैर मुतवक्के लफ्ज होता है, नॉर्मली बैतबाज 5-7 अशारी तैयार करते हैं, उससे ज्यादा नहीं इस तरह के अल्फाज के। हाँ। तो बड़ी बात है टीम ए ने बढ़ा। हमारी तरफ से ज्यादा दाद टीम ए को, क्योंकि टीम बी ने बहुत टफ टाइम दिया। हाँ। और टीम ए ने हिम्मत नहीं हारी, तो आपने भी अच्छा खेला कि आप पूरी तैयारी से आए हैं और आप लोगों ने भी कहा कि हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, तो क्या आप दोनों को शाबाश, फैसला देने के लिए तैयार हैं या हम लफ्जों पर चले जाएं? हमारा ख्याल है कि अल्फाज पे जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बड़ी टक्कर की टीमें जो है ना वो साथ आ गई हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, अल्लामा इकबाल की मादर इल्मी, फैज़ अहमद फैज की मादर इल्मी, नून बीम राशिद की मादर इल्मी, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, और ज़ाहिर बड़ी एक तवील फहरिस्त है। तो आज हक अदा किया दोनों टीमों ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तलबा और तालिबात होने का। वेरी वेल डन, शाबाश जनाब। बस मुकाबला आप दोनों ने जीत लिया, अब ज़ाहिर बस ये तय होना है कि आगे किसने क्वालिफाई करना है। मेरे नज़दीक दोनों टीमें आज माशाल्लाह फातिह रहीं। पहला लफ्ज़ है दौलत। जी दौलत, एक दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ठीक है, बड़े आमियाना शेर ने बहुत वक्त भी आपका साथ दिया। ठीक है जनाब, एक पॉइंट टीम बी का। तीन गिनूंगा, तीसरे तीन गिनने के बाद शेर शुरू करेंगे तो पॉइंट दूसरी टीम को चला जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें जरा थोड़ी सख्ती। दरबान, लफ्ज है दरबान। दरबान, दरबान एक, दरबान दो, दरबान तीन। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। बाकी अहमद पुरी। अच्छा जनाब, अच्छा इसको जरा गलत मत कंसीव कर लीजिएगा, इसलिए कि फिर इससे गड़बड़ होगी और वो पॉइंट दूसरी टीम को चला जाएगा। तो देख कर और समझ कर, बैत, बैत नहीं है बैत। जी एक, इसको समेटने का तरीका है सिर्फ एक, इस बैतुल अनकबूत में घर करके सो रहो, ऐ खूंबहा में आई हुई लड़कियों खामोश, चुपचाप साथ अपने सितमगर के सो रहो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बैतुल अनकबूत क्या अच्छा है, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। ये बैत शेर के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन बैत के मानों में नहीं। हाँ, वो लास्ट में हुआ था, बैत कर दिया था। जी 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 जी, अच्छा जी, क्या है? एक एक। ठीक है, लफ्ज है जुर्रत। जी जुर्रत, एक, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो पॉइंट्स और टीम बी का एक पॉइंट, राइट। लफ्ज है, एहतियात कीजिएगा, मकतब। जी टीम बी, ये फैजाने नजर, ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी। अच्छा, ओहो सब, ये पॉइंट जिसका है वो मुकाबला उसका है, वो मुकाबला उसका है। जी मैं इसीलिए जरा सोच रहा हूं कि थोड़ा सा लफ्ज निकाल के। हां, लफ्ज है निहाल। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। ठीक है जनाब, क्या बात है, बहुत उम्दा भाई, बहुत भरपूर तालियां, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, शानदार, जिंदाबाद। शुरू से आखिर तक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, कॉन्फिडेंट अंदाज में खेला भी, पैनिक नहीं हुए, बहुत सारे वो वार भी सहे। Of course, not taking away any credit from you. आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आप लोग receiving end पे थे, बहुत अच्छे तरीके से सारे वार सहे भी। और हमारा ख्याल है कि हमें ये कहना चाहिए कि अब तक जितने मुकाबले हुए उनमें सबसे अच्छा मुकाबला। क्या बात है, जबरदस्त, क्या कहने। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की दोनों टीमों के लिए भरपूर तालियां, रावियंस हमेशा बहुत शानदार होते हैं। जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है। सो बहुत बहुत मुबारक हो, मैं कहूँगा दोनों टीम्स को बहुत मुबारक हो जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जाहिर है सर एक राड ने कहा कि किसी एक टीम को आगे जाना है,
तो वो हैं नूरुल हिरा और रमशा नकवी, लेकिन दोनों का बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा मयार रहा आज के मुकाबले का। सो दोनों टीमों के लिए बहुत सारी तालियां और मुबारकबाद टीम ए को। जज़ाकअल्लाह। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। सही बात है।